बैक क्वेश्चन नंबर 33, भारत लिमिटेड वाला। भारत लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपए के 2 लाख संतांशों के निर्गमन हेतु आवेदन आमंत्रित किया। देखो कितने के लिए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। नेक्स्ट देखो, राशियां निम्न प्रकार दे थी, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें? एप्लीकेशन फॉर 3 लाख वर रिसीव्ड, है ना, लेकिन आवेदन कितने के लिए आया है? 3 लाख शेयर्स के लिए। और क्या दिया है इसमें? देखो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया है। अब देखो सबको दिया है मतलब, और अब क्या बोल रहे हैं, बजाज जिसको कितने शेयर्स अलॉटेड थे, 3,000 अंश आवंटित थे, मतलब अप्लाई नहीं किया था, इसको 3,000 शेयर्स अलॉट ही कर दिया था। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी इसने पे नहीं की। फिर कौन है इसके बाद? ही शेयर्स वेयर फोरफिटेड, आउट ऑफ द फोरफिटेड में से 2,500 शेयर्स को रीइशू किया, कितने रुपए में? 8 रुपए पर शेयर पे। चलो वर्किंग नोट स्टार्ट करो, कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में देखो, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 3 लाख के लिए, 3 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन अलॉट कितनी किया है? 2 लाख। फिर देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 रुपए के हिसाब से है, तो 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। और एप्लीकेशन मनी को अगर ट्रांसफर किया तो 3 लाख, 3 के हिसाब, 2 लाख शेयर्स को हमने ट्रांसफर किया 6 लाख से, बाकी कितना बचा? 3 लाख। ये कहाँ चले गया? अलॉटमेंट में, और ये शेयर कैपिटल अकाउंट में, एप्लीकेशन मनी। यहाँ तक डाउट है किसी को? देखो बजाज को 3,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, मतलब 2 लाख शेयर्स दिए गए किनको? जिन्होंने 3 लाख के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। इसको कितने दिए गए हैं? 3,000, तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 3 लाख को डिवाइड कर दो 2 लाख से और इनटू कर दो 3,000 से, कितना आएगा आंसर बताओ? चार हजार पांच सौ तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 4,500 के लिए। इसका मतलब इसने जो एप्लीकेशन मनी पे किया था वो कितने के लिए किया था? 4,500 के लिए। इंटू 3 करेंगे अपन तो कितना होगा? 4,500 इंटू 3, 13,500 13,500 आया। मिले इसको कितने? 3,000 शेयर्स इंटू 3, 9,000। तो इसका अलॉटमेंट में कितना हुआ? एडजस्ट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। बाईस हजार पांच सौ रुपये बेटा माइनस करते हैं, सॉरी
4500 होगा है ना। फिर देखो इसने अलॉटमेंट में कितना नहीं रिसीव नहीं किया, मतलब देखो इसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और कॉल मनी, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना नहीं मिल रहा है, 3000 शेयर्स दिया था इसको, कितने के हिसाब से 5 कितना 15000, एडजस्ट वाला कितना था इसका अमाउंट 4500, ये वाला तो इतना तो मिल गया था, तो मिला कितना नहीं बाकी, नॉट रिसीव्ड, माइनस करो 15000 में से 4500, 10500। फिर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला इसका अमाउंट, नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितनी की थी देखो 2 रुपए की थी, कितने शेयर्स थे 3000 × 2, ये हो गया 6000। ये पूरी वर्किंग नोट है, ये पूरी की वर्किंग नोट अब अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे तो आपके 3 से 4 मार्क्स पूरे इसमें रहेंगे। ये जो शेयर्स अलॉटमेंट वाला मैं निकालती हूँ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कैलकुलेशन में? नो मैम। ठीक है, नोट किया सबने, एंट्रीज सॉल्व करें। यस मैम। जूम करूं क्या, बहुत छोटा हो गया क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है अभी। चलो अब फर्स्ट एंट्री बनाएंगे अपन, क्या बनेगी फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना हिंदी इंग्लिश में? नो मैम। अगर हो कहीं इशू तो तुरंत बोलना बेटा। ठीक, तो देखो कितना मिल रहा है एप्लीकेशन पहले 3 लाख शेयर्स का, ये वाला देखो 9 लाख। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 9 लाख रुपए एप्लीकेशन के, कैपिटल में कितना डाला हमने 6 लाख और अलॉटमेंट में कितना डाला हमने 3 लाख। ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने, ये 6 लाख इधर आया, और ये 3 लाख आया इसमें अलॉटमेंट में। ये रहा ये वाला 3 लाख इधर। नेक्स्ट एंट्रीज करें हम इसके बाद वाली। यस मैम। रफ करूं ऊपर ये कहीं पे? यस मैम। ठीक है ये रफ कर रही हूँ चार्ट, ये वाला। फिर एंट्री बनेगी थर्ड अपनी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की एंट्री बनाओ सब। चलो बताओ क्या एंट्री बनेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, ये एंट्री बनेगी अपनी। तो कितने शेयर्स हैं अपने पास 2 लाख, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 5 रुपए,
तो 2 लाख इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 लाख. ठीक, फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो देखो कितना मिलना था, 10 लाख मिलना था, जिसमें से ऑलरेडी हमको यहाँ पे देखो मिल चुका था, मैंने उसमें बताया था ना. ये वाला देखो, ये 3 लाख देखो, स्टार बना रही हूँ ना मैं इधर, देखो. तो देखो ये ऑलरेडी हमको मिल चुका है 3 लाख. ठीक, इसमें माइनस करेंगे ये वाला अमाउंट जो हमको नहीं दिया है. किसने? बजाज ने. कितना नहीं दिया उसने? 10,500. ठीक है, तो जो नहीं मिलता है वो माइनस होगा 10,500. तो ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगी. चलो बताओ कितना अमाउंट आएगा. 10 लाख में से 3 लाख गया, कितना बचा? 7 लाख. 7 लाख में से 10,500 और गया तो कितना बचा? 10,500 और गया तो 6,89,500. कहीं पे डाउट इस एंट्री में किसी को? नो मैम. फिर देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने का था? 2 रुपए का था. 2 लाख शेयर्स इनटू 2 ये हो जाएगा 4 लाख. सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. 4 लाख मिलना था, माइनस करना ये वाला 6,000 जो नहीं मिला. तो 4 लाख में से 6,000 गया. कितना बचेगा? 4 लाख में से 6,000 गया तो 3,94,000. 3,94,000. सेवेंथ एंट्री फोर फीचर की करेंगे. फोर फीचर क्या होगा? क्रेडिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर. कितना था? 10 रुपए का था. पूरे 10 रुपए कॉल किया था. कितने शेयर्स थे इसके? 3,000 शेयर्स थे. तो 3,000 इंटू 10 करना तो ये हो जाएगा 30,000. इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 2, शेयर फोर फीचर अकाउंट. कितना पे किया था इसने? देखो 3,000 शेयर्स मिले थे इसको, 3 रुपए एप्लीकेशन में मिले थे इसको 9,000, और इसने ये अलॉटमेंट में इसका कितना एडजस्ट किए थे? 4,500. ₹13,500 इसने ओवरऑल पे किया था, 9,000 एप्लीकेशन का और 4,500 अलॉटमेंट का. तो 13,500 इधर गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट में कितना नहीं पे किया इसने? 10,500. और फर्स्ट कॉल का पे कितना नहीं किया? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितना ये? 6,000. देखो टोटल करो कितना आ रहा है, 13,500, 10,500 और 6,000. आ रहा है पूरा 30,000. यस मैम. अब रीइशू की एंट्री. अब देखो कितने शेयर्स रीइशू कर रहा है? 2,500. देखो पूरे रीइशू नहीं कर रहा है, याद रखना. जब भी रीइशू करें
और फोरफिट कितने शेयर्स कर रहा है 3,000 और रीइश्यू कितना कर रहा है 2,500। इट मींस कम रीइश्यू कर रहा है, इट मींस कैपिटल रिजर्व वाला जो फॉर्मूला लगवाई थी वो लगाना पड़ेगा। ठीक है चलो, रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कितने में रीइश्यू कर रहा है, 8 रुपए में, मतलब डिस्काउंट पे कर रहा है, तो डिस्काउंट का पैसा कहां से लेंगे, फोरफीचर अकाउंट से। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए में दे रहा है, तो कैपिटल में तो पूरा 10 ही आएगा। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहा है, 2500, तो 2500 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। फोर फीचर का अमाउंट यूज करेंगे 2 रुपए, तो 2500 इंटू 2 कितना होगा, 5,000, और 2500 इंटू 8 होगा ये 20,000। ये 8 रुपए और ये 2 रुपए डिस्काउंट के। किसी को डाउट है रीइश्यू की एंट्री में, नो मैम। ठीक है अब रिजर्व वाली एंट्री करो, कैपिटल रिजर्व वाली, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंट्री बनाओ, कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला लिखवाई थी मैंने, बताओ क्या फॉर्मूला लिखवाई थी आप लोगों को, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब फोरफीचर ज्यादा कर रहा है शेयर्स और रीइश्यू कम कर रहा है, बताओ क्या फॉर्मूला लिखवाई थी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट अपॉन नंबर ऑफ फोरफीचर शेयर्स इनटू द नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड into number of shares reissued, फिर माइनस भी तो करवाई थी, amount used in share forfeiture amount used in reissue, देखो तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये वाला देखो, हाईलाइट करते जा रही हूं देखते जाओ, क्रेडिट बैलेंस ये फॉरफीचर अकाउंट का कितना, 13,500, तो ये 13,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट, कितने शेयर्स फॉरफीट क्या है, ये 3,000 शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने किया 2500, माइनस शेयर फॉरफीचर अमाउंट यूज इन रीइश्यू, कितना रीइश्यू के टाइम पे यूज किया, ये देखो 5,000, कितना है अमाउंट बताओ, 13,500 को डिवाइड करो 3,000 से, माइनस करेंगे 5,000 से तो अमाउंट आएगा 6,250, तो ये यहाँ पे आएगा 625062। कहीं पे डाउट किसी को, अब देखो एक न्यू वैरायटी करेंगे, उसमें क्या होगा कंपनी का, देखो एक एग्जांपल बता रही हूँ सिर्फ समझो अब उसको। अच्छा ये नोट हो गया सबका, कोई ऐसा है जिसका नोट नहीं हुआ है, हम कर रहे हैं, करो हो जाएगा तो बताना मेरे को, इसको एक एग्जांपल लेके चलो। ठीक है सपोज अब दो लोगों के शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं तो कितने टोटल फोरफीट हुए, 3,500 शेयर्स। ठीक, सो अब कंपनी क्या कर रही है, रीइश्यू कर रही है, लेकिन कितने, 3,000,
तो कैसे 3000, किसके कितने? क्या पता है इसके 1500 रीइश्यू करे और इसके पूरे 1500। देखो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो कैपिटल रिजर्व का जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये वाला। ये वाला जो कैलकुलेशन है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, उस समय इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में अच्छे से किया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि स्टेप की भी एक वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, याद है किसी को? नहीं भूल गए हो सब? बताओ देखो, रिवाइज कर रही हूँ। देखो 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 5। रिसीव्ड कितने का हो रहा है एप्लीकेशन कंपनी को? 1.5 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहा है। कंपनी क्या कर रही है? अलॉटमेंट कर रही है, 80,000 वालों को 60,000 दे रही है और 70,000 वालों को कितना दे रही है? 40,000 दे रही है। ये देखो 70,000 वालों को 40,000 दे रही है। तो 2 ग्रुप बने शेयर्स के, एक सुधा है एक आशा है। इसमें क्या दिया है देखो, सुधा कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करती है? 400 शेयर्स के लिए, ये देखो सॉरी 600 शेयर्स इसको अलॉटेड है। इट मींस इसको 600 अलॉट किए हैं, कौन से ग्रुप वाले में से? 80,000। तो इसको कितने शेयर्स मिले? 800। और ये आशा का कितना अप्लाई किया था उसने? 1400। और इसको दिए कितने कंपनी ने? 800। यहां तक कोई डाउट? नो मैम। अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आपका टाइम लेफ्ट ओवर हो गया एक्चुअली। ठीक।